तो लास्ट क्लासेस की जो हमारी टॉपिक थी वो स्ट्रिंग फंक्शन थी, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम का फंक्शन। तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से आप डेट एंड टाइम को किस तरह से कंट्रोल करोगे, दैट इज अ टुडे टॉपिक। तो कुछ चीजें हैं डेट एंड टाइम के फंक्शन में, उसको आप जान लीजिए। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक्सेल में हमारा होता है टुडे, टुडे का फॉर्मूला आप लगाते हो तो टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, इधर सिस्टम डेट देता है, ठीक है। बट वीवीए के अंदर में अगर हम सिस्टम का डेट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो डेट का होता है, ओनली फॉर डेट, तो सिस्टम डेट शो करता है। दूसरा नाउ फॉर्मूला जो कि डेट एंड टाइम दोनों देती है, वैसे ये भी आपको यहां भी नाउ लगा सकते हो। तो यहां पे आपको ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ता है, यहां पे आपको कोई ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, जस्ट वेरिएबल लगाना है कि डी इक्वल टू डे एंड अगेन एन इक्वल टू नाउ, और यहां पे वेरिएबल को डिफाइन करना है कि डिम आर सॉरी डी एज ए डेट एंड डिम एन एज ए नाउ, नाउ नहीं सर माफ कीजिए, डेट ही होगा, सुबह सुबह क्या हो गया मुझे, डेट। तो ये दो चीज, दो फॉर्मूले हैं। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें से डे को एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें से आवर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो डे के लिए डे का फॉर्मूला और आवर के लिए आवर का फॉर्मूला, तो जो आवर नहीं माफ कीजिएगा मंथ, मंथ मंथ का फॉर्मूला। और यहां भी आपके पास एक और आता है ईयर का फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले। तो इन तीनों फॉर्मूलों को ऑल्सो आप इसमें कॉल कर सकते हो कि डी इक्वल टू, यहां पे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर डेट है, जैसे डी पे डेट ही लग गया, तो यहां पे आप कर सकते हो डी डी इक्वल टू डे, और डे के अंदर में आप जो है डेट फॉर्मूला डेट या डी डाल सकते, तो डेट को अलग करेगा। ऐसे ही एम फॉर्मूला में आप मंथ का लगा सकते हो, और मंथ में आप अगेन ई लिख सकते हो, और सेम ईयर फॉर्मूला के लिए आप यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगा सकते हो। ये जो एक्सेल का फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला यहाँ पर है, पर एक्सेल में एक फॉर्मूला नहीं है मंथ नेम का। जैसे अगर मैंने 4 लिख दिया तो मुझे यहाँ पे अप्रैल आ जाए, तो इसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, बट इन द वीबीए यू कैन यूज द मंथ नेम, जैसे एनएम इक्वल टू मंथ नेम, और यहां पे आप जो है दे सकते हो, जैसे कि हमने दे दिया यहां पे एम और यहां पे ये आपका मंथ नेम आएगा। अब चलिए हम मंथ नेम के नाम का फॉर्मूला यहां बनाते हैं। तो फंक्शन, हेलो मोहित जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, आपके हाँ जी सर, ओके बैकग्राउंड शोर आ रहा है, क्लासेस रिकॉर्ड होती है ना, तो शोर भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो सो प्लीज म्यूट किया कीजिए। जब आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, दैट मीन यू अनम्यूट योर सेल्फ, आस्क द क्वेश्चंस और अगेन म्यूट। फंक्शंस, और यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला एम एन अंडरस्कोर एम का, सॉरी अंडरस्कोर करना होगा एम का। तो एक नया फॉर्मूला हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, एन एज ए हमने यहां पे इंटीजर डाल दिया, और फिर डायरेक्ट हम यहीं पे एन अंडरस्कोर एम इक्वल टू हम देते हैं मंथ नेम का फॉर्मूला मंथ नेम, क्योंकि वीवीए के फॉर्मूला को डायरेक्ट तो आप एक्सेल में अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, क्या जी सर, और यहां पे हम दे सकते हैं एन को एन कॉमा। अब यहां पे अगर आपने ट्रू किया तो क्या आता है, फॉल्स क्या क्या आता है, हम देख लेते हैं एक बार। मोहित जी प्लीज वेबकैम को आपने ऑफ रखी है, वेबकॉम की जरूरत नहीं है इस बैच में, इस क्लास में। ओके सर।
स्क्रीन छोटी हो जाती है वेबकैम से, तो फिर वो फीचर्स दिखते नहीं है। ओके सर, सॉरी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एन अंडरस्कोर एम का फॉर्मूला बनाया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो अप्रैल आ रहा है शॉर्ट नेम में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू दिया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डाल दूं तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अप्रैल पूरा लिखा हुआ। तो एक्सेल में फॉर्मूले तो बहुत थे बट मंथ नेम का कोई फॉर्मूला नहीं था। तो यू कैन क्रिएट द ऑन फॉर्मूला नेम इन मंथ नेम के लिए आपने खुद की फॉर्मूला क्रिएट कर दी। इसको आप एक्सेल पे यूज कर सकते हो या वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपके पास अलग अलग डेट है, अलग अलग डेट है, उसको आपस में कंबाइन करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था? डेट का फॉर्मूला था कि आप यहां से ईयर इसके अंदर डाल दें, इसके अंदर मंथ डाल दें। जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग फॉर्मूला आता ताकि वो अलग अलग टाइम फॉर्मेट जो होता है उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया, तो डेट बन जाता है। अब इसके लिए वीवीए के अंदर में फॉर्मूला होता है डेट सीरियल का, डेट डेट सीरियल। इसमें आप ईयर डाल दें 2018, 4, 3, तो इसको डेट बना के अलग करेगा। सर ये एक्सेल है जो ये 2013 है और 2010 है? नहीं, 2016 है, 2016। ओके सर, लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे ए, ए, हम इसमें जो है ना प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ये जो प्रोग्रामिंग क्लास है, मैंने फोन पे भी बोला था, हम एक्सेल के अंदर में न्यू फीचर्स, न्यू फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, खुद के फॉर्मूले। ऑलरेडी एक्सेल के फॉर्मूले बने ही हैं, लेकिन जिसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है हम उस तरह के फॉर्मूले बना रहे हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी। तो डेट सीरियल का फॉर्मूला यहाँ पे आता है, डेट सीरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और फॉर्मूला है डेटेड इफ का। डेटेड इफ का फॉर्मूला होता है आप दो डेट के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस निकाल सको, या कह सकते हो कि किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ 10th जुलाई 1987 है तो उसकी आज की डेट से क्या एज है इन द ईयर, इन द मंथ और इन द डे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेटेड इफ फॉर्मूला से, क्योंकि एक्सेल में भी अवेलेबल है। इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में वाई डाल देंगे तो ये हमारा एज जो है दिखा दिया कि 30 ईयर। अगेन मैं डेटेड इफ डालता हूँ, डेटेड इफ नहीं होता, डेट डी आई एफ होता है, डेट डिफरेंस होता है। तो इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एम डालू तो डेट डिफरेंस इन द मंथ आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया वाई एम, मतलब ईयर के बाद जो मंथ है वो दिखे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 6, मतलब कि मंथ। और अगेन मैंने यहाँ पे डेटेड इफ कर दिया और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने कर दिया एम डी, तो यहाँ आ गया। तो इस फॉर्मूले को भी आप सेम इसमें अप्लाई कर सकते हो वीवीए में, लेकिन इसका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज हो जाता है, डेटेड डी आई एफ हो जाता है, नहीं डी आई एफ नहीं होता है, आई डेटेड आई एफ डी आई एफ नहीं दो एक स्पेलिंग चेंज होता है इसमें, डेटेड इफ नहीं होता, एक स्पेलिंग चेंज होता है, एक मैं बताता हूँ, मैं भूल गया क्या स्पेलिंग चेंज होता है, एक स्पेलिंग चेंज होता है, मैं भी बता देता हूँ, तुम मिनट लगेगा। क्या क्या सर, थोड़ी सी भूलने की बीमारी है मुझे, हाँ जी मुझे थोड़ा सा भूलने की बीमारी है, तो कुछ चीजें भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, इंसान है सर, इंसान होती है गलती। तो ये है आपका यहाँ डी डबल एफ, ये पता है कि एक लेटर चेंज है कोई, लेकिन ये कंफ्यूज था, डी डेटेड डी आई एफ, ये आपका सेम लगता है। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बेनिफिट ये है कि आप एक्सेल में जो है दो चीज अलग कर सकते हो,
एक्सेल में जो है दो चीजें अलग कर सकते हो कि डेट माने कि डे ईयर मंथ और डे राइट। बट इन द वीवीए आप किसी की एग्जैक्ट ईयर में निकाल सकते हो, क्वार्टर में निकाल सकते हो, मंथ में निकाल सकते हो, ईयर निकाल सकते हो, डे एंड वीक आवर मिनट सेकेंड एग्जैक्ट। लगाने का तरीका क्या था, सेम तरीका है कि डीआईएफ इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि आपको पहले देना है इंटरवल कि आप क्या स्टैक क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे ईयर है तो ईयर डालिए और यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है। क्वार्टर है तो क्यू डालिए, स्टार्ट डेट एंड डेट अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और महीना है तो ये डाल सकते हैं। तो अब इसके लिए अब इस फॉर्मूले को तो हम वीवीए में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल में तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो एक्सेल में इस्तेमाल हेलो। करने के लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना है। हाँ कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं क्या हो रहा, रिजल्ट में नंबर्स क्यों देते हैं? रिजल्ट 10, रिजल्ट 40, रिजल्ट 2, कहाँ नंबर देते हैं? क्यों नंबर क्यों लिखे हो? हाँ, रिजल्ट आ रहा है वो। या यहाँ पे ये कहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं आप? पीछे आ जाओ, सिंटेक्स है ना जिधर पीछे, यहाँ पे सेंटेक्स आप है रिजल्ट 10। सॉरी पीछे आ जाओ सर। ये आप ये इसकी बात कर रहे हो ऊपर जो है ये। नहीं, नीचे आ जाओ ना, नीचे आ जाओ ना, जहाँ पे ईयर लिखा था, बाद में दो डेट लिखे थे, और नीचे, हाँ यहाँ पे देखो रिजल्ट लिखा है ना, रिजल्ट 10, रिजल्ट 40, रिजल्ट 2। हाँ तो ये तो बताया है ना सर रिजल्ट। अब देखिए डेटेड इफ जो है कहीं ना कहीं शो करेगा ना भाई अपना रिजल्ट। तो राइट राइट, इन दो डेट का जो डिफरेंस है इसका रिजल्ट 10 आएगा। ओके सर, और अप्लाई ऐसे करना है जो समझा रखा है, अप्लाई ऐसे करना है ओके सर, ठीक है ना। बाद में पता चला। इसमें एक चीज और भी है, यहाँ आपने सेंटेक्स को गौर नहीं किया, यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, इसका मतलब समझ रहे हो? तो फर्स्ट डे फर्स्ट ऑफ द डे वीक, ऑफ द वीक मंथ का जैसे फर्स्ट डे। आप जो है इसमें डब्लू आपने डाल दिया तो ये वीक का देगा। डब्लू मतलब वीक समझे। एक आता है वीक डे, ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे और ये पूरा मंडे टू संडे चलेगा। तो अब क्या होता है कि ग्लोबली आप देखें तो इंडिया और जो यूएस कंट्री यूएस बेस्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं उनके यहाँ संडे छुट्टी होती है। संडे इज द वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, और कुछ देशों में संडे इज द वीकेंड और मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। बट अगर गल्फ में चले जाओ जैसे कि बहरीन, कुवैत, ये सब जो है वो लोग जो है यूएस कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी जो वीक होती है फ्राइडे एंड सैटरडे होती है, तो उनकी संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यही आपका यहाँ पे दिया गया है समझे। तो ये चीज वही है डालना है यहाँ पे। तो लेकिन दिस इज द ऑप्शनल नॉट ए रिक्वायर, तो आप डाल सकते हो या नहीं भी डालोगे, डालोगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, नहीं डालोगे तो ये आपका सेल्फ आएगा। अब ए फॉर्मूला को हम ए फॉर्मूला तो अच्छी फॉर्मूला है डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन इस फॉर्मूला को हम डायरेक्टली अप्लाई तो कर नहीं सकते एक्सेल पे। तो इसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये फंक्शन अपडेटेड इफ है तो हमने डी अंडर स्कोर डी आई एफ कर दिया, डेट डिफरेंस समझ में आएगा एन। अब यहां पे हम यहां पे जो है लिखेंगे डी एज ए स्ट्रिंग और फिर डी वन में पहली डेट एज ए डेट और कॉमा डी टू एज ए ऑल्सो डेट और फिर हम यहां पे लिखेंगे डी आई डी अंडर स्कोर डी आई एफ इक्वल टू, हमने यहां पे दिया डेटेड डी डबल एफ, नहीं डबल डी नहीं है, डबल एफ। नीचे एक्सप्रेशन आ गया मतलब कि फॉर्मूला का सही है टाइपिंग।
इंटरवल हमने बोला कि इंटरवल डी होगा जो यूजर डालेगा, और डेट वन डी वन होगा, और डेट टू ऑल्सो डी टू होगा, और फर्स्ट वीक यहां पे दिख रहा है आपको ना सर कि बीबी फ्राइडे बीबी मंडे यू कैन यहां पे चूज कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मेरा जो फर्स्ट वीक है वो मंडे है, और यहां पे वीवी फर्स्ट फोर डेज फुल द फर्स्ट फुल वीक जैन वन या यूज सिस्टम ने, तो जनरली आप यूज सिस्टम कर दीजिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, या इसको नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये डिफॉल्ट अपना उठा लेगा सिस्टम का। ठीक है, अब जो है अब यहां पे हम एक्सेल में अप्लाई कर रहे हैं सेम चीजों पर, इक्वल डी डिफरेंस, यहां पे हमने बोल दिया कि मुझे डिफरेंस चाहिए, माने इसमें नहीं लगाता हूं, इसमें लगाता हूं 1 जनवरी से लेके आज डेट में कितने क्वार्टर हुए हैं, तो डेट सॉरी डी डिफरेंस इसमें हमने बोल दिया क्यू, और हमारा स्टार्ट डेट एंड कॉमा एंड डेट, एक क्वार्टर हुआ डी यहां पे इक्वल डी अंडरस्कोर डेट डिफरेंस, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको सेलेक्ट किया, नहीं इसको सेलेक्ट करना लेकिन इसमें हमें देना है ना कि कितने वीक हुए, तो हमने W डाल दिया वीक के लिए, तो हमारा W आ गया। एक मिनट 20 मिनट 30 मिनट W, W सेट नहीं कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा कि W एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। ओके ओके, ये लास्ट में कॉमा डाला हुआ है थिंक, इसीलिए हाँ गलती नहीं थी, सही था, लास्ट में एक कॉमा दे दिया था इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, W डबल W करेंगे तो फुंदरा आएगा, क्योंकि तो 3 महीने का डिफरेंस है तो कोई फास्ट फर्क नहीं है, और ऐसे ही यहां पे आप बाकी चीजें भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसकी कोड आप लोगों को भेज देता हूं, और इस टेबल को रेफरेंस में लेते हुए बाकी और भी जो डेट के फॉर्मूले हैं उस पर आप दीजिए, इसमें और कोई बात नहीं, जैसे वीक नेम है मंथ नेम की तरह, वीक नेम है मंथ नेम है, तो बाकी फॉर्मूले एक्सेल से है आपके, तो आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं, जो फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा हम उस पर आपको कल बता देंगे। इसमें 2 फॉर्मूले छोड़ दिए हैं कि डेट एड है, डेट पार्ट है, तो ये सब फॉर्मूले नॉर्मल फॉर्मूले है। डेट ऐड हुआ कि एक डेट में कोई पर्टिकुलर इंटरवल को ऐड करना चाहते हो, कि ईयर ऐड करना है, मंथ ऐड करना है, या डे ऐड करना हो, कितना ऐड करना है उसके लिए होता है। डेट पार्ट कि किसी पर्टिकुलर डेट से कोई निकालना है, कि मुझे उस डेट से जो है मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, तो उसका एक्चुअली डे या मंथ ईयर का है ही फॉर्मूला उसके लिए, तो इसमें नॉर्मल है, और बाकी फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिया, टाइम जैसे डेट का है ऐसे टाइम का है। यू कैन रीड दिस आर्टिकल, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपको फिर कल सजेस्ट कर देंगे, नहीं तो फिर हम कल अगली कैटेगरी जो हमारी है उस अगली कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके और कुछ बनाइए और भेजिए सर, ऐसे जस्ट ओके करने से नहीं चलेगा। सर मैंने आपको मेल भेज दिया अभी। मेल मिल गया है लेकिन मैं अभी देख नहीं पाऊंगा, मैं 2 पल में बैठ कर आराम से देखूंगा फिर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू, ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम।